नंबर सिक्स है बच्चों एक्सरसाइज 3.4 का। नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 5 एंड 12। बाय विच अदर नंबर विल द नंबर बी ऑलवेज डिविजिबल। एक नंबर 5 और 12 से डिविजिबल है तो आपको बताना है वो किस अदर नंबर से भी डिविजिबल होगा। तो यहाँ देखिए बच्चों, ये दोनों नंबर कैसे नंबर हैं, को प्राइम है, ठीक है, को प्राइम है। इन दोनों का एचसीएफ कितना है, 1 है। तो अगर कोई नंबर है ना को प्राइम से डिवाइड होता है, डिविजिबल होता है, तो वो नंबर उन दो को प्राइम नंबर के प्रोडक्ट से भी डिवाइडेड होगा, डिविजिबल होगा। सो सबसे पहले बेटा हमने क्या फाइंड किया, ये दोनों नंबर को प्राइम है या नहीं है। देखो एच सी एफ ऑफ 5 एंड 12 निकालेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। 5 1 जा 5, 2 6 जा 12, 2 3 जा 3 1 जा, ये सारे प्राइम नंबर्स हैं जिनसे डिवाइड कर रहे हो। तो इसके तो प्राइम फैक्टर्स आ गए 5 इंटू 1, 12 के हो गए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1। तो आप देख रहे हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर केवल और केवल एक ही कॉमन फैक्टर है 1, तो एच सी एफ आ गया 1। तो जिन दो नंबर का एच सी एफ 1 होता है वो क्या कहलाते हैं, को प्राइम। तो ये दोनों नंबर कैसे हैं, को प्राइम है। ओके, इफ नंबर इज डिविजिबल बाय को प्राइम, अगर कोई नंबर को प्राइम से डिविजिबल होता है देन नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय देयर प्रोडक्ट। तो वो उन दो को प्राइम नंबर के प्रोडक्ट से भी डिविजिबल होता है, यानी वो किससे भी डिविजिबल होगा, 5 इंटू 12 यानी 60 से भी डिविजिबल होगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन, नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 5 एंड 12, बाय विच अदर नंबर विल दैट नंबर इज नंबर बी ऑलवेज डिविजिबल। तो वो नंबर इन दोनों के प्रोडक्ट से भी होगा, यानी 60 से भी डिविजिबल होगा।